हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक वन या पुस्तक ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो पुस्तक है उसकी इकाई वन की प्रमुख अवधारणाएं का अध्याय दो, जिसका नाम है शक्ति सत्ता और वैधता। बच्चों, इसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट वन में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो पार्ट टू में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट। शक्ति यानी कि पावर। शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहाँ सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, समाज में शक्ति का स्रोत क्या है, आदि तत्वों पर एक रूपता का अभाव है। जहाँ प्राचीन समय में सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं इस समय राजनीतिक शक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। तो बच्चों, शक्ति यानी कि जो पावर होती है, उसमें पहले वह कायमे विद्वान थी, वह कायमे विद्यमान थी, वह सैनिक शक्ति में, यानी कि देश की रक्षा करने के लिए काय की किसकी सहायता ली जाती थी, सैनिकों की। और अब इस यह कायमे विद्वान होने लगी है राजनीतिक शक्ति में, यानी कि ये पॉलिटिक्स में विद्वान होने लगी है। इस पर जोर दिया जा रहा है। और इस पे किसने प्रकाश डाला है, मनु, कौटिल्य और शुक्र ने इस शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। बच्चों, शक्ति की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने शब्दों में या परिभाषा के रूप में व्यक्त किया है। तो इंग्लैंड इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने किस प्रकार दी है। इंग्लैंड के टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 1651 ईस्वी में राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति पर विशेष जोर आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैटलिन लॉसविल, केप्लोन, मार्गेंथाउ आदि विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब देखेंगे बच्चों कि और जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार शक्ति की परिभाषा दी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम ने शक्ति के विविध पक्षों की व्याख्या की। उसके बाद शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने में कैथलीन लॉसवेल, केप्लोन, मार्थेनाउ आदि की भूमिका रही है। तो कैटलिन के शब्दों में देखेंगे कि कैटलिन ने किस प्रकार राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान यानी कि पावर के साइंस के रूप में परिभाषित किया है। और उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यानी कि क्या करते हैं, इसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति है ना, वो आपस में संघर्ष करते हैं, यानी उनके बीच में कंपटीशन होता है। और उसमें से जनता जिसे सेलेक्ट करती है वह राजनीति राजनीति में आ जाता है, या फिर उसकी कुर्सी या शक्ति उसके पास आ जाती है। लॉसवेल के अनुसार शक्ति की परिभाषा। अब जो लॉसवेल जो विद्वान है उसके अनुसार शक्ति की क्या परिभाषा है, उन्होंने शक्ति की परिभाषा को किस रूप में या किन शब्दों में व्यक्त किया है। समाज में एक प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति कैसे क्रियाशील रहती है। हेराल्ड लॉसवेल के अनुसार यही राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु है। यानी कि लॉसवेल ने कहा है कि एक समाज में प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में शक्ति कि एक किस प्रकार क्रियाशील रहती है, तो उसे क्रियाशीलता के रूप में लॉसवेल ने परिभाषित किया है। इसलिए लॉसवेल ने अपनी पुस्तक का नाम ही कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ। तो लॉसवेल ने क्या कहा है कि शक्ति किसे कहते हैं, कि कौन उसे, मतलब कौन प्राप्त कर रहा है, कब प्राप्त कर रहा है और कैसे प्राप्त कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो लॉसवेल ने इसे अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। मेकाइवर ने
अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेसिटी है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। और मैकाइवर जो विद्वान है उन्होंने कहा है, उन्होंने इसको परिभाषित इस प्रकार किया है कि उन्होंने शक्ति को क्या बताया है कि यह एक मतलब जो दूसरों से काम लेना या दूसरों से काम करवाना या आज्ञा पालन जिससे कराया जाए वह राजनीति है। तो उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है। ऑर्गेन्स्की के शब्दों में शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। और ऑर्गेन्स्की जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा है कि दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता क्या है, राजनीति है। रॉबर्ट बाइसटर्ड टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट के अनुसार क्या है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, यानी किस प्रकार कोई अपनी पावर को किस प्रकार में यूज में ले सकता है, बाकी न कि उसका उपयोग है, यानी कि किसी को मारना पीटना नहीं है, बस सब में अपना डर कायम करना है। तो उसे क्या कहेंगे, शक्ति। शक्ति का बल और प्रभाव से भेद, शक्ति का बल और प्रभाव से भेद में मतलब इसमें किस प्रकार अंतर है। तो सामान्य शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, और सामान्य रूप से क्या होता है, शक्ति यानी कि जो पावर है उसको और जो फोर्स होता है उसको एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। और मतलब हकीकत में या वास्तव में क्या है, इन दोनों में अंतर है। शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति प्रचंड बल है यानी बस डर है, किसी को अपना डर दिखाना है, और बल क्या है, का वास्तव में प्रयोग है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं, और पावर में क्या होता है, बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। जब शक्ति में बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है, जबकि बल उसका प्रकट रूप होता है। यानी कि शक्ति को प्रकट किया जा सकता है और अप्रकट होती है, मतलब उसे दिखाया नहीं जा सकता, बस एक डर होता है, जबकि बल है उसको प्रकट किया जाता है, यानी कि अपने अपन अपनी ताकत के अनुसार उसे प्रकट कर सकते हैं। जब शक्ति वे प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव अप्रकट होता है, जब शक्ति प्रकट होती है। शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, यानी कि पुलिस जो होती है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी गलत आदमी को या कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसे वो रोक सके, तो उसके पास क्या है, पावर है। लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है तो दंड देती है, जो कि आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है। पुलिस के पास पावर होती है कि वह अपराधी को सजा दे, लेकिन वह कहाँ तक सीमित है, मतलब आर्थिक दंड और शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है। वो दंड क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से यानी कि पैसे वगैरह उससे क्लेम ले ले, या शारीरिक दंड यानी कि उसकी पिटाई वगैरह भी लगा सकती है। तब बल का प्रयोग करती है, मतलब आर्थिक रूप से देगी तो उस पर क्लेम लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर शारीरिक दंड से दे तो उसकी मतलब उसकी मारपीट भी उसके साथ कर सकती है। तो तब वे काय का प्रयोग कर रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं, और जब आर्थिक दंड उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वे काय का प्रयोग कर रही है, शक्ति का प्रयोग कर रही है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि शक्ति और बल में किस प्रकार भेद है, विभेद है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित होती है। जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को किस प्रकार मतलब बोल सकता है कि आप चले जाओ, उसके पास कोई मतलब कोई बल नहीं है, वो अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन उसके पास शक्ति है वो। और जब वह वास्तव में ऐसा करता है तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है, और जब मतलब उसको निकाल सकता है तो उसके पास पावर, उसके पास शक्ति है, लेकिन जब वह बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देता है तो वह काय में बदल जाती है, शक्ति उसकी बल में बदल जाती है। तो हमने क्या देखा बच्चों, शक्ति का बल और प्रभाव मतलब बल और शक्ति और बल किस प्रकार अलग अलग है। और इसी प्रकार हम देखेंगे शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं होती है और असमानताएं भी होती है। दोनों ही एक दूसरे को संबलता प्रदान करते हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। यानी कि जब शक्ति और प्रभाव दोनों ही सही हो, और मतलब किसी पर इसका गलत प्रभाव ना हो या फिर सही व्यक्ति पर इसका गलत प्रभाव ना हो, तब तक ये प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, और प्रभाव क्या करता है, शक्ति को उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। लेकिन दोनों में अंतर भी होता है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है।
जबकि प्रभाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। मान लो पुलिस ने हमें मार दिया, हमें सजा तो दे दी लेकिन उनकी लेकिन हम क्या करेंगे उस पर, हमारा प्रभाव क्या हुआ, ये हमारे दिमाग में मतलब उसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ा कि इसने तो मुझे बिना फालतू में मार दिया है, फिर जो भी है मतलब। तो क्या है इसका प्रभाव है शक्ति का, वो क्या क्या है, मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, और शक्ति का प्रयोग किसी की इच्छा के विरुद्ध भी कर सकते हैं। यानी कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वो शैतानी कर रहा है तो हम उसे पिटाई लगा सकते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रहा है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध हम भी इसे हम प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है, लेकिन प्रयोग क्या होता है, संबंधात्मक होता है, और इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति ही की सहमति पर निर्भर करता है। और लेकिन जो शक्ति है उसका प्रभाव है वो संबंधात्मक हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर आप अगर किसी बच्चे को आपस में बोलते हो कि आप इस तरीके की राइटिंग में मतलब दूसरी राइटिंग में अच्छी तरह से काम करो, साफ सफाई से लिखो, तो वो एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है कि मैं अगर अच्छी राइटिंग में काम करूंगा तो इससे मेरी राइटिंग सुधरेगी या फिर मेरे अच्छे लेख होगा। तो जो प्रभाव होता है शक्ति का वो संबंधात्मक भी होता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णता प्रजातांत्रिक है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। यानी कि शक्ति कितनी भी अधिक हो लेकिन उसे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। यानी शक्ति है, बहुत सारी शक्ति किसी के अंदर, लेकिन जब उसका किसी पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो वह व्यर्थ है। तो शक्ति की स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन किसी के मन पे अगर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि शक्ति हो ही। यानी कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका जो आचरण है उसका भी किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे। जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि अंग्रेजों ने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति यानी कि पावर के माध्यम से क्या किया, हमारे देश पर शासन किया, उनकी जनता पर शासन किया। जबकि महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे, और जबकि महात्मा गांधी ऐसा कोई गलत काम नहीं करते थे या फिर वो ऐसे उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी भारत की जनता पर उन गांधी जी की बातों का बहुत प्रभाव था। शक्ति के रूप, काइंड्स ऑफ पावर। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप में तीन तरह की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति की पहचान कर सकते हैं। यानी कि जो शक्ति है उसके तीन आयाम होते हैं। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, कोई भी पोस्ट, प्रतिष्ठा, कर, टैक्स, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के लिए विभिन्न समूहों में आवंटन। यानी कि जैसे अगर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई किसी के साथ गलत करेगा तो उसे इस प्रकार का दंड या फिर इस प्रकार का फाइन या इस प्रकार का क्लेम देना पड़ेगा, उसे सजा भी हो सकती है, तो समाज के विभिन्न वर्गों में इन सबका आवंटन है। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करते हैं। तो ये कौन करता है, जो सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब कार्यपालिका से चलाती है, जैसे पुलिस वगैरह जो आते हैं वो कार्यपालिका में आते हैं, व्यवस्थापिका में जो नेता वगैरह, या न्यायपालिका में जो हमारी कोर्ट वगैरह है वो आते हैं। तो जैसे अगर कोई गलत करेगा तो पुलिस वाला उसे पकड़ेगा, फिर उसे कोर्ट में लेके जाएगा, तो इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी हुई है, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। इनके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः इन्हें हम शक्ति के अनौपचारिक अंग कहते हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। यानी कि अगर किसी के पास पैसा है ना तो वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली है। यानी कि राजनेता वगैरह जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, वही चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति है वही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, लेकिन इनके जो संबंध है वो किस तरीके के हैं वो देखते हैं। इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर्निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। दूसरी ओर मार्क्सवाद का मानना है कि सब तरह की शक्ति
आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है, यानी कि हम जहाँ में पता है हम सब समझ सकते हैं कि जो भी आजकल जो सारी हमारी जो गतिविधियाँ वो काय पर टिकी होती है, हमारी आर्थिक शक्ति पर टिकी होती है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। अगर मान लो बच्चों हम कोई दुकान पर कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं तो वो हमारी आर्थिक शक्ति पर निर्भर होती है, क्योंकि हमारे पास जितने पैसे होंगे हम उतनी ही चीज़ें खरीदेंगे। तो जो शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है एवं निर्धारित करती है। आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है, और आर्थिक शक्ति जो होती है वही क्या करती है, समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की यह धारणा सत्य नहीं है। तो उसमें क्या है कि मतलब ये ऐसा मतलब माना नहीं जाता कि भाई हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि जिसकी आर्थिक शक्ति मजबूत होती है वह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता है। विचारात्मक शक्ति, विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोणों का विकास होता है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसलिए इसे वैधता प्रदान करती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित है, यानी कि हम अलग अलग देशों में देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक या सामाजिक वातावरण या गतिविधियाँ हैं, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका वगैरह जो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो जो अलग अलग देश हैं उसकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, और इन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मकवाद, मानववाद इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थितियों में जन्म लेता है। कालांतर में परिस्थिति बदल सकती है और तर्क की दृष्टि से यह विचार पुराना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को अपने रूप से भी प्रकट कर सकते हैं। तो विचारधारा का अर्थ क्या है कि अपने अपने सोचने समझने की शक्ति है, अपने या अपनी बातों से या अपने विचारों से किस प्रकार लोगों को प्रभावित करना है, तो वो क्या होती है, विचारात्मक शक्ति होती है। तो बच्चों इस पाठ में हमने शक्ति, सत्ता और वैधता के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। इसके कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए